हेलो दोस्तों, ह्यूमन मशीन इंटरैक्शन के पिछले वीडियो में मैंने बात की थी जीस्टॉल थियरी की। अब इस वीडियो में जानते हैं जीस्टॉल प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। देयर आर टोटल 5 प्रिंसिपल्स जिनके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। इस वीडियो में प्रॉक्सिमिटी की बात करते हैं, जो कि है पहला जीस्टॉल प्रिंसिपल। प्रॉक्सिमिटी मीन्स द क्लोजनेस और द स्पेस और द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स विच मे बी डिफरेंट फॉर may be different but they are same for the user or they are grouped together for the user. Let's see how it happens. When the objects are identical in all aspects, that is color, shape and size, then the displacement alone of these objects will affect their purpose. Agar kuch objects hain jo ki har cheez mein identical hai, whether it is color, shape or size, they are identical completely. So agar unme displacement hua, unka displacement hua ek dusre se, tabhi unka purpose change hoga ya fir hum unko ek alag group mein rakhenge. Otherwise human eye will always tend to place them in the same group. Our brain tends to cluster objects that are close to each other as one group. हमेशा ऑब्जेक्ट्स, देखिए हर एक बॉक्स एक अलग ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमारे ह्यूमन आई क्या इसको अज्यूम कर रहा है, एज अ सिंगल स्क्वायर है कि नहीं। जस्ट बिकॉज वी हैव दैट ब्रेन, आवर ब्रेन ऑलवेज टेंड्स टू क्लस्टर ऑब्जेक्ट्स। हम हमेशा ऑब्जेक्ट्स को क्लस्टर करते हैं अगर उनमें प्रॉक्सिमिटी काफी, मतलब दे आर प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर और बेसिकली दे आर क्लोज टू ईच अदर। अब दूसरा वही बी, फिगर बी देखते हैं तो उनमें देखिए, सिंस डिस्प्लेसमेंट हुआ है, देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन, अगर मैं दो कॉलम्स की बात करूं, अगर ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम एक साथ है, फिर बीच में डिस्प्लेसमेंट ला दिया इन लोगों ने, और आई कैन से द थर्ड एंड फोर्थ कॉलम हैज बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो उसी केस में हम इनको दो ग्रुप्स करके कंसिडर कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहला स्टेटमेंट कहा था, डिस्प्लेसमेंट अलोन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स विल अफेक्ट देयर पर्पस, उसके अलावा उनको एक सिंगल ग्रुप ही कंसिडर किया जाएगा, बस डिस्प्लेसमेंट की वजह से इनको अब दो ग्रुप कंसिडर किया जा रहा है। सो मोर ओवर प्रॉक्सिमिटी इज मोर पावरफुल देन कलर कोडिंग। प्रॉक्सिमिटी कलर कोडिंग से भी ज्यादा पावरफुल है, देखते हैं कैसे। अब यहां पे देखिए, ये जैसा कि ये फिगर है, एग्जैक्ट सेम फिगर है, बस क्या कर दिया इन्होंने, कलर कोड इसका पूरा का पूरा व्हाइट रखा है और इसका पूरा का पूरा ब्लैक कर दिया है। बस इस केस में सिंस ये दो कॉलम्स हमको एग्जैक्ट व्हाइट दिख रहे हैं, ये दो कॉलम हमको एग्जैक्ट ब्लैक दिख रहे हैं, तो अभी हमारे ह्यूमन आई और ह्यूमन ब्रेन ये अज्यूम कर सकता है कि ये दो ग्रुप्स है, बिकॉज एंटायर कलर हैज बीन चेंज्ड ऑफ देम। लेकिन अगर मैं वही फिगर बी की बात करूं, फिगर टू बी की, तो इसमें हम देख सकते हैं कि एक ग्रुप में दो बॉक्सेस जो है वो हाईलाइटेड है, और फिर दूसरा ग्रुप जो है बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ बिटवीन द टू कॉलम्स, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ कॉलम्स के बीच में डिस्टेंस की वजह से हम इनको दो ग्रुप्स कंसिडर कर रहे हैं। नाउ वन मोर थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट, कि कलर कोड कर दिया है इनमें इनको, तो इसके वजह से क्या अभी और कॉलम्स बनेंगे या फिर इनको और ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे हम, तो हमारे ह्यूमन ब्रेन ऐसा नहीं करता है। बिकॉज ऐसे केसेस में जब कुछ कुछ बॉक्सेस हाईलाइटेड हो या फिर उनका कलर कोड अलग हो, तो ह्यूमन ब्रेन हमेशा इनको हाईलाइट करके समझता है, इनको एक अलग ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं करता है, समझता है कि ये बॉक्सेस हाईलाइटेड है, इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग देम एज अ डिफरेंट ग्रुप। इस केस में सारे के सारे बॉक्सेस ब्लैक थे, यहाँ पे सारे के सारे बॉक्सेस व्हाइट थे, इसीलिए इस ग्रुप को अलग ग्रुप और इस ग्रुप को अलग ग्रुप माना गया। लेकिन इस केसेस में हम हर एक को अलग अलग ग्रुप नहीं मानेंगे, बिकॉज हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये एक एक बॉक्स ही हाईलाइटेड है, दैट्स इट, बाकी ग्रुप एक ही है, ग्रुप ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप है, दैट्स इट, इसके अलावा और कोई ग्रुप्स नहीं बन रहे जस्ट बिकॉज ऑफ द कलर कोड, तो नो। सो या दैट्स हाउ ह्यूमन और ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन आई परसीव्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। नाउ इसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, इन फिगर वन बोथ द पार्ट्स ऑल एलिमेंट्स आर ऑफ द सेम कलर। देखिए यहाँ पे फिगर वन में दोनों पार्ट्स में एलिमेंट्स आर ऑफ सेम कलर, हेंस यू मे फील दे आर ग्रुप टूगेदर। इन फिगर 2A द एलिमेंट्स आर ऑफ टू डिफरेंट कलर्स। यहाँ पे फिगर 2A की बात करें तो एलिमेंट्स क्या है, डिफरेंट कलर्स के है ना, यहाँ पे देखिए, एंड विल बी आइडेंटिफाइड एज टू ग्रुप्स, करेक्ट, तो टू डिफरेंट कलर्स के हैं। जब मैंने क्या कहा था कि अगर कलर, शेप एंड साइज सब कुछ सेम हो तो उस केस में हम सिंगल ग्रुप कंसिडर कर सकते हैं। अगर सब कुछ अलग है, कलर भी अलग है, उसमें से कोई एक भी एस्पेक्ट अलग होगा, तो ऑब्वियसली दैट विल बी द डिफरेंट ग्रुप देन। इन फिगर 2B इट इज प्रूव्ड दैट प्रॉक्सिमिटी इज मोर पावरफुल देन कलर कोड।
लेकिन फिगर 2B में हम देख सकते हैं दो कलर कोड हैज बीन चेंज्ड, एक कुछ वाइट, कुछ बॉक्सेस वाइट है एक ही ग्रुप के और कुछ बॉक्सेस ब्लैक है, बट प्रॉक्सिमिटी रूल्स ओवर और डोमिनेट्स कलर कोड बिकॉज इनको फिर ट्रीट किया जाता है एज अ हाईलाइटेड बॉक्सेस. सो प्रॉक्सिमिटी इज मोर पावरफुल देन कलर कोड. नाउ यू मे अज्यूम दैट द ब्लैक सेल्स आर हाईलाइटेड एलिमेंट्स ऑफ दैट ग्रुप बट यू विल नॉट डिक्लेयर देम एज बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट ग्रुप. तो हम ये ब्लैक सेल्स को ऐसा अज्यूम करके चलेंगे कि हाईलाइटेड एलिमेंट्स है एक ग्रुप के, ऐसा अज्यूम नहीं करेंगे कि दे आर द डिफरेंट ग्रुप और दे बिलोंग टू अ डिफरेंट ग्रुप. सो दैट प्रूव्स हाउ प्रॉक्सिमिटी इज मोर पावरफुल देन कलर कोडिंग. एंड ये है हमारा पहला जीस्टॉल प्रिंसिपल, दैट इज प्रॉक्सिमिटी, कि हाउ प्रॉक्सिमिटी चेंजेस यूजर्स विजन, यूजर परसेप्शन, उसके ऊपर बेस्ड है. आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.